बिग बॉस OTT 3, इसका नाम होना था बिग बॉस हर कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है। एक अकेला कंटेस्टेंट था इसमें जो जेन्युइन था, जो समझदार था, जो हकदार लग रहा था जीतने का, उसको इनने पहले ही हफ्ते में बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने इनकी पोल पट्टी खोल दी थी कि तुम लोग बीड़ी सिगरेट फुक्का फुक्की तो अनलिमिटेड दे देते हो पर खाना ना नक्को बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मेरी पिछली वाली बिग बॉस की रोस्ट वीडियो पे एक बंदा कमेंट करता है कि भाई साहब तुम जैसे लोग होंगे नेता अगर तो गरीब ही रह जाएगा, अमीर ही अमीर बना रह जाएगा, गरीबों को सक्सेसफुल होते नहीं देख सकते। अबे ओ बंदर बुद्धि, तेरे को समझ आता है कि गरीब और अमीर से भी आगे दुनिया होती है? काबिलियत नाम की भी चीज होती है, बिग बॉस का एक पैटर्न है, उसके हिसाब से बुलाया जाता है उन लोगों को जिन सेलिब्रिटीज की जिंदगी लोग देखना चाहते हैं। और जिन लोगों को इस बार इनने बुलाया है वो ऑलरेडी डेली व्लॉगिंग करते हैं, उनको कौन देखना चाहेगा? और अगर इतना ही गरीबी अमीरी का कीड़ा तेरे जैसा सबके अंदर होता तो जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता और वो गरीब है तो उसको क्रिकेट टीम में खिला दो इंडिया की, और फिर वो हरवाता, फिर तुम्हारे नाम पे रोते बैठे कि अरे गरीब को भी तो सक्सेसफुल करना है। गरीब में अगर दम होगा, टैलेंट होगा तो वो वैसे भी सक्सेसफुल हो जाता है। 10 एग्जांपल है हमारे सामने। गरीबी कोई कार्ड नहीं है जिसको यूज करके तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाओ। बात तो सही है। और इतने ज्यादा अजीब अजीब कंटेस्टेंट बुलाने के बाद इस साल बिग बॉस कितना ज्यादा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है ये आप इसी चीज से पता लगा सकते हो कि लोगों को बिग बॉस देखने से ज्यादा उसकी रोस्ट वीडियो देखने में मजा आ रहा है। या 29 रुपए का चक्कर है। बाकी वीकेंड के वार पे तो समझ ही नहीं आता कि अनिल कपूर दोस्ती कर रहा है या वार। वीकेंड के वार का आधा एपिसोड अनिल कपूर ने इस उम्र में सना मकबूल के साथ सिंपिंग करने में निकाल दिया। एक रुक, अरे वाह क्या लग रही हो यार, सना जी बहुत अच्छी लग रही हो, पिंपल्स विंपल्स, वाह 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 फैंटास्टिक, बिग बॉस में सेटल हो जाओ, लुकिंग वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, हां वेरी नाइस। अनिल कपूर का बस ना चले वरना ट्रॉफी उठा के सीधी सना मकबूल के हाथ में रख दे। और बेचारे बिग बॉस वालों ने सोचा था इस बार उन सबको बुला लेंगे जिनकी इंटरनेट पे लड़ाइयां होती है, जिनको इंटरनेट पे गालियां पड़ती हैं, व्यूज ही व्यूज होंगे, पर असलियत में गालियां ही गालियां हो गई हैं। और बिग बॉस की TRP भी उसी प्रकार से गिर गई जैसे वड़ा पाव की लड़ाई में ये लड़की गिरी थी। हमारे आपके आगे आने के बाद ही स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, अर्ज किया है। रील पर व्यूज आते थे जब रोड पर बेचती थी ये वड़ा पाव, रील पर व्यूज आते थे जब रोड पर बेचती थी ये वड़ा पाव। बिग बॉस वालों को क्या पता था कि यही देगी आपकी TRP को सबसे बड़ा घाव। बिग बॉस वालों ने वड़ा पाव गर्ल को अपने घर में लड़ने के लिए बुलाया था, दंगे करने के लिए, सबकी चटनी बनाने के लिए, पर असलियत में वो बिग बॉस के घर में उतनी इन्वॉल्व हो रही है जितना उसका गुगली बोन पति होता था उसके ठेले के झगड़ों में। पर गलती उस बिचारी की नहीं है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसको लड़ने के लिए बुलाया है, बल्कि उसको लग रहा है कि उसको इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो है चंद्रिका दीक्षित, दिल्ली मोस्ट ब्यूटीफुल वड़ा पाव वायरल वुमन। एक तो ऐसे नाम रखते हैं लोग, समझ ही नहीं आता कि वड़ा पाव वाली का नाम है या फिर कोई विकसित पोकेमोन का नाम रखा जा रहा है। वड़ा पाव वायरल वुमन, मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ वड़ा पाव बनाओ। क्या बनाओ? वड़ा पाव। और सच बताऊं तो मुझे तो लग रहा है वड़ा पाव वाली है ना ये अपने कर्मा को भुगतने गई है वहां पे, जब बेचारे व्लॉगर इसके पास आते थे तो उनके साथ ऐसा करती थी। कौन सा वाला सर, सबको नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकालो, आपकी वजह से सबको नुकसान हो जाएगा सर। तब बेचारी बोलती थी पर माइक निकाल के दे देती थी, अब उसके गले में माइक लगा है पर उसको बोलने नहीं दिया जाता। चंद्रिका आप नहीं बताओगे, पायल आप इस बेचारी को बोलने नहीं देते। और एक तरफ वो दीपक चौरसिया की बटन दबा देते हैं, वो बंद ही नहीं होता। मैं तो सोचता हूँ न्यूज चैनल लगा दिया शायद। भाई 15-20 मिनट जो एपिसोड के चावे हैं उसने, मेरा दिमाग चाप गया। चुप ही नहीं होता, यहाँ की खबर, वहाँ की खबर, खबरदार खबर, कहीं मौसम की खबर। अरे बस भाई न्यूज चैनल नहीं देखना मुझे, इससे अच्छा हमारी वड़ा पाव वाली को बोलने देते। बेचारी कितनी अच्छी भोला लल्ला बनके ऐसे करके हाथ उठा के बोल रही थी, उसको चुप कर दिया। और सच बताऊं तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि बिग बॉस देख रहा हूं नशा मुक्ति केंद्र की लाइव टेलीकास्ट। पहले वो पूजा बटाई थी, वो च्युइंगम चबाती रहती थी, अब ये महाराज आए ये च्युइंगम चबाते रहते। और भाई साहब इन लोगों को ये समझ नहीं आता जो ये यहाँ न्यूज सुनाता रहता है, अगर इसकी न्यूज रिपोर्टिंग और वो जो टेरो कार्ड वाली एंटी है उनकी टेरो कार्ड वाला काम चल रहा होता तो इनको बिग बॉस में थोड़ी आना पड़ता। और एक तो ये लोग इमेज क्लीन करने आते हैं अपनी, वो दीपक चौरसिया है ना जो एक बार उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग कर दी थी नशे में, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो। देश के लिए क्या है, थोड़ी चढ़ा लियो देश के लिए, प्राइड ऑफ नेशन, ब्लेंडर्स प्राइड। भाई मतलब इतनी बड़ी टीम रहती इन लोगों की, ये बैठ कैसे गया नशे में, इसको रोका क्यों नहीं किसी ने। और ऐसे ही बहुत सारे कारनामे हैं इनके, पर उनकी बात अभी नहीं करेंगे। और इस बार तो मेरे को लगता है बिग बॉस ने इंटरटेनिंग फैक्टर देख के नहीं बुलाया, क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के बुलाया कि कौन कौन थाने जा चुका है उसको बुला लो सबको। वड़ा पाव वाली को भी इसलिए बुलाया, रोड पे भंडारा करने का कानूनी अपराध किया था ना उसने, कानून का उल्लंघन किया था ना उसने। क्या तो बोलता रहता हूँ, क्या भंडारा होगा वहाँ पर, क्या
और आपको और मुझे तो पता ही है ऐसी नौटंकियों को ये बिग बॉस वाले बाद में नोटिस करते हैं, पहले न्यूज चैनल करते हैं, उनका काम है नौटंकी ढूंढना। तो इसको बुला के जब उनने पूछा बिग बॉस में जाओगी, नहीं नहीं मैं क्यों, अच्छी मुहूर्त बन गई बिल्कुल भलाई की मुहूर्त, मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी। क्योंकि इसको भी हम लोगों की तरह लगता था कि बिग बॉस अपने स्टैंडर्ड इतना ज्यादा थोड़ी गिराएगा। बिग बॉस का तो बताइए मैम, कभी नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं है आ गया क्या है क्या नहीं, चाहेंगे तो जाना ही पड़ेगा आपको, मेरा सुकून मेरी काट है मैम। भाई साहब ये बंदी 15 मिनट के इंटरव्यू में 12 मिनट रोई है, मैं सही बता रहा हूँ इसके वड़ा पाव खत्म हो जाएंगे एक बार, पर इसके आंसू ना नक्को बिल्कुल नहीं। और जैसे ही बिग बॉस से ऑफर आया ऐसी पलटी है। ऑफर आया था सबसे पहले था कि यार सच है यार झूठ है क्या है यार, मतलब अफवाह तो नहीं है, कोई ठग तो नहीं रहा है, कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं हो रही है, सारी चीजें थोड़ा समझने में टाइम लग गया। सेम बहन सेम, हमने भी जब तुम्हें बिग बॉस में देखा था तो हमने भी सेम यही चीज सोची थी कि कोई अफवाह तो नहीं है, ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फ्रॉड तो नहीं है ये। पर जैसे ही हमने अरमान एंड पलटन को देखा बिग बॉस में, हम श्योर हो गए कि इस बार इन्हें चुनाव ही कुछ अलग तरीके से किया है। सारे लड़ाकू दंगेबाज लोगों को बुलाया कि अंदर बुलाएंगे सब लड़ेंगे मजे ही मजे, व्यूज ही व्यूज, पर असल में सब शाणे कौए निकले, अंदर चुपचाप बैठे भोली मूरत बन के कोई लड़ी नहीं रहा। और एक तरफ हमारे अरमान भाई हैं जो खुद को बिग बॉस समझते हैं। तुम घर व्याघ्रो में रोपा है, तुम्हारे पति की फटकी नहीं मिली, और रोया मत आगे से, रोए नहीं मेरे से बात मत करियो, रोए नहीं आगे से, तेरे अभी घर भेज दूंगा, गेट खोल भेजू घर है भेजू घर। और वो बिचारी भोली वाली मन अभी गिरी नहीं मत भेजो, अरे बहन वो भेज भी नहीं सकता, उसके हाथ में नहीं है तेरे को घर भेजना। और ये लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग अलग अलग खेलेंगे, ऐसा अलग खेल रहे हैं, वो घर भेजने की धमकी दे रहा है। बेचारा वो भूल ही गया है कि वो बिग बॉस के घर में अपने घर में नहीं है, पर उसकी भी गलती नहीं है दोस्तों, दोनों बीवियां यहां पे, पूरा घर जैसा माहौल है, खाना भी उसकी बीवियां ही बना के दे रही, उसको आज भी बीवियों के ही हाथ का खा रहा है, और ऊपर से मालिश अलग हो जाती है, सेवा अलग हो जाती है, उसको क्यों घर जैसा फील ना हो। और ऊपर से उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए, तुम गर्व व्याघ्रो में रोपा है। अरे अरे हां हां भाई हां, अरमान भाई बोल रहे हैं गर्व करो, वैसे ये भी बता देते भाई कि किस बात पे गर्व करना है, ये दोगलेपंती पे। रोल को उल्टा कर दो, पायल जी अगर किसी आदमी को लाती विल यू बी ओके विद इट, वो लाके क्या घर में रखेगी, बट टेल मी विल यू बी ओके विद इट, वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं जवाब देखो, पायल आप ला सकते, पायल ने एक्सेप्ट कर ले, मैं नहीं करता बात खत्म, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करती तब नहीं करती, अगर पायल जी कहते हैं शादी नहीं होती तो, अगर शादी करके भी पायल लाती है किसी को मेरे घर में तो भैया तुम अपने घर खुश मैं अपने घर खुश। वाओ कितना पारिवारिक माहौल है, कितनी नॉर्मली बात कर रहे हैं क्रिमिनल एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं दो दो शादियां करना क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है। शादी है कोई टॉफी खाने जैसा नहीं है कि दो तूने खाई है दो मैं भी खाऊंगी, अरे सब एक एक खाओ ना भाई, इतना क्यों खाना भूखो। और हाँ दोस्तों भूख से याद आया, हमारी गांव की बेटी जब इसको भूख लगती है गांव की मिट्टी खाने लग जाती है, गजब की एक्टर है। और उससे बड़ी ज्यादा इगोइस्टिक है दोस्तों, जब इसको पनिशमेंट मिली, इसको भी मिली थी और साथ में वो जो वेकअप सीट की हीरोइन है ना, उसका जो एक्स हस्बैंड बिग बॉस में आए उनको भी पनिशमेंट मिली थी, तो वो तो बेचारे कान पकड़ के सॉरी सॉरी बोलने लग गए, पर इसको सॉरी नहीं बोलना था। मैंने बोला अब देखूं ये क्या करती है, अब तो सॉरी बोलना पड़ेगा, और उसने एक्टिंग दिखा दी, सोने का नाटक कर लिया, पर सॉरी नहीं बोला ना नक्को बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके ईगो ने उसको बेहोश होके ओवर एक्टिंग करना अलाउ कर दिया, पर सॉरी बोलना। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो, शिवानी बोल पागल देखी तुमको मैं बिठा दिया हूं ना, अभी बोल तू दो मिनट पहले बोल दिया कंटिन्यू, पागल हो गई है क्या शिवानी, शिवानी। पर दोस्तों मुझे लगता है गलती उसकी नहीं है, वो जब गिरी थी तो उसके घुटने में चोट लगी थी और दिमाग भी वहीं है, तो दर्द हो रहा होगा तो चक्कर तो आएंगे ना बेचारी को, उसकी गलती नहीं है दोस्तों, एक्टिंग नहीं कर रही। और फिर जब अनिल कपूर ने पोल खोल दी तो बेचारी हैंग अलग हो जाती है, मैं गिर गई थी उठ गई थी चक्कर आ रहे थे, मैं वो बता रही हूँ हैंग हो जाती पूरी की पूरी। पर एटलीस्ट अब बेचारी को मनीषा रानी से कंपेयर करना छोड़ दिया है सबने, पर वो मनीषा रानी का नाम यूज करना नहीं छोड़ रही, जब अंदर जाने वाली थी तो मनीषा के बारे में ये बोल रही थी, मनीषा दीदी है वो, उनसे बात भी होती रहती है, बहुत अच्छा वो करती है। बात हुई आपकी उनसे, क्या बोली उनको, बताया नहीं बताया नहीं है। अच्छा मनीषा को बताया नहीं, हाँ ये तो सही है भाई, पहले से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे बात कितने आराम से कर रही है यहाँ पे तो चीख चिल्ला रही नहीं है, बात बात पे गांव को बदनाम कर देती है, मिट्टी खाई पूरे गांव वाले, हम मिट्टी खाते हैं, अरे सब मिट्टी नहीं खाते और हर कैसी मिट्टी नहीं खाते, वो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो अलग चीज होती है, कुछ भी उल्टा सीधा करो पूरे गांव पे इल्जाम लगा दो। गांव का नाम रोशन करने गई है, बदनाम करने गई है, पर से झूठ बोलती है, अभी बोल रही थी कि मनीषा को बताया नहीं कि बिग बॉस में आई है, और अंदर जाके बोलती है कि उससे तो पूरे सीख के आई हूँ, राय लेके आई हूँ। मनीषा दीदी जब आ रहे थे जा रही थी जो बिग बॉस था, मैं कह रही थी कि वहाँ जाना, ये तुम्हें दिखा दिया जाएगा, ऐसे मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे अंदर विलन ऐसा बना दिया कि नहीं मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन जब मैं
बोला चुप रहो, रणवीर भाई चले गए ना, चुप रहो अभी। मैं तो वो आपको बात बता रही थी। बेचारी को याद तक नहीं है बाहर क्या बोल के आई थी, अंदर क्या बोल रही है, किसी के डायवोर्स पे हंस रही है, किसी को धक्का मार के गिरा रही है, किसी का मजाक उड़ा रही है, मिट्टी खा रही है, बेहोशी की ओवर एक्टिंग कर रही है और लोग बोलते हैं इनोसेंट है। ऐसे होते हैं इनोसेंट लोग, इनोसेंट का तो नहीं पता दोस्तों, पर बेचारी रियल है, भले विलेन बन जाएगी पर रियल बन के खेलेगी, वो जैसा उसके मन में आ रहा सब कर रही है, वो दिमाग उसका जितना भी थोड़ा बहुत चल रहा है वो सब कर देती है। बेबी का बन के रह गए यहाँ पर, एटलीस्ट बेबी का के मजे तो सब लोग ले भी नहीं पाते थे, इसके मजे तो नेजी लेके चला जाता। गई भैंस पानी में, हाँ तुम शार्क जैसे हो, सही डॉल्फिन बहुत प्यारी होती है, किस एंगल से समझ ही नहीं आ रहा नेजी भाई रैपर है या फिर कॉमेडियन है। और ऊपर से जब वो सना सुल्तान रहती है, गंदी सी शायरी सुनाती है, और भाई जब अजीब सा स्माइल करके बोलते हैं कड़क, भाई क्या गजब का मजाक उड़ाता है यार, बोल दिया करना उसके मुंह पे कि अच्छा नहीं कर रही वो, कुछ गड़बड़ी है। तुम कड़क माल है ना। पर एटलीस्ट नेजी का मजाक अभी तक वीकेंड के वार पर नहीं उड़ा है। और एक तो जब भी वीकेंड के वार की बात आती है तो मुझे सलमान भोई की याद आ जाती है, क्योंकि यार अनिल कपूर का अलग ही सीन है, वो किसी को भी डांटने से कुछ समझाने से पहले अपने अचीवमेंट बताता है, मैं इतने सालों से बॉलीवुड में हूँ, मैंने इतना कुछ किया, इतनी मूवीज करी है, मैं गलत तो नहीं बोलूंगा। अरे सलमान खान डांटता था सीधा खड़े पे कि सुनो मेरी बात, मैं खड़ा हूँ यहाँ, तो सुननी पड़ेगी। पर अनिल कपूर तो भाई पहले एक्सप्लेनेशन दे देता है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि ये भी बोलेगा मैं सोनम कपूर का पापा हूँ, जब मैंने उसको झेल लिया था तुमको तो झेल ही लूंगा। और सोचने वाली बात ये कि जब अनिल कपूर खुद अपनी नकचड़ी पुत्री सोनम को मूवी दिलवाए, नेपोटिज्म की वजह से उसको सपोर्ट करे तो ठीक है सब बढ़िया है, पर जहां एल्विश यादव ने कटारिया को सपोर्ट कर दिया एज अ फ्रेंड, तो वो गलत हो गया कि भाई तुम तो एल्विश से सपोर्ट ले रहे हो, गलत। अगर आप में हिम्मत है आप बोलेंगे कोई भी एल्विश का फैन बेस, कोई भी एल्विश का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो आपने मुझे मेरे कंटेंट पे जज करो, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं मेरे को मेरे कंटेंट, मेरी पर्सनालिटी, मैं जो काम कर रहा हूं भाई उस चीज पे जज करो, किसी के कहने पे या एल्विश भाई के कहने पे मत करो। चलो देखते क्या होता है। एक तो ये लोग एल्विश यादव की ऑडियंस से इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि क्या बताओ, मतलब उसकी कभी बात करते हैं तो उसका नाम म्यूट नहीं करते, उसकी बात बार बार करते हैं, क्या पता कैसे ऑब्सेस्ड हैं एल्विश यादव से। और कटारिया के अगेंस्ट खेलने के लिए वो जो एक साई नाम का एक्टर आया है जो कि बहुत ओवर एक्टिंग करता है, उसको बाहर वाला बना के उसको जोकर 2.0 और सिखा दिया कि जाओ जाके सबको बताओ कि जोकर है, वो भी पगला जाके एग्जैक्ट बोल देता है कि आपको यहाँ पे जोकर कौन लगता है, मुझे तो कटारिया लगता है गधा कहीं का। और पिछली बार एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान हुआ था, इस बार एल्विश यादव वर्सेस बिग बॉस हो रहा है। और जब इतनी ही दिक्कत थी अगर तुम्हें एल्विश की ऑडियंस से, तो कटारिया को बुलाया है क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या कि अगर कटारिया आएगा तो एल्विश उसको सपोर्ट करेगा, और ना भी करेगा तो कटारिया जितने एल्विश के साथ रहता है उसकी ऑडियंस ऑलरेडी कटारिया को जानती है। पर नहीं, एल्विश की ऑडियंस भी चाहिए, डर भी लग रहे हैं, शेर भी देखना है, चड्डी भी गीली है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको खुद को लग रहा है कि एल्विश की ऑडियंस बहुत ज्यादा कट्टर है जो कटारिया को ऐसे ही जिता देगी, तो अब ये कोशिश करेंगे कि वाइल्ड कार्ड में किसी ऐसे क्रिएटर को बुलाएं जिसके पास एल्विश से भी ज्यादा कट्टर ऑडियंस हो। तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ आपको क्या लगता है किसके पास एल्विश से भी ज्यादा कट्टर फैन बेस है, और मुझे ये भी बताना कमेंट में कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, इस वीडियो पे अगर 1,00,000 लाइक आ गए तो अगली वीडियो बनाएंगे इस चैनल पे बिग बॉस से रिलेटेड, वरना इस चैनल पे बिग बॉस से रिलेटेड ये मेरी लास्ट वीडियो है, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मिट्टी कहाँ है, मिट्टी खानी है क्या, मतलब तेरे काम डांट खाने वाले हैं, मिट्टी नहीं।